श्रद्धेय मंच, मेरे सामने उपस्थित आर्य समाज के बंधुओं, भगिनी, बच्चों, मैं आप सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ कि आप भारतीय संस्कृति में जन्मे हैं। ये वो संस्कृति है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, जिसको आज की हम कोर्ट की और संविधान की भाषा में कहेंगे फंडामेंटल राइट टू हैप्पीनेस एंड फंडामेंटल राइट टू हेल्थ। ये वो संस्कृति है जो कहती है एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी मैं आपको धर्म परिवर्तन क्यों करूं और आप मेरा क्यों करें। हमारे यहां हम किसी को टॉलरेट नहीं करते, हम सभी को एक्सेप्ट करते हैं कि सभी एक ईश्वर की संतान तो हैं और सभी मार्ग एक ईश्वर तक तो जाते हैं, इसलिए वैमनस्य किस बात का, द्वंद्व किस बात का। हमारी संस्कृति है जो कहती है भेदभाव नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं यत पिंडे तत ब्रह्मंडे, तत त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि, कि जो मुझ में है वो तुझ में है, वो कीट पतंगों में है, वो पशु पक्षियों में है, वो जानवरों में है, वो इस सृष्टि में है, प्रकृति में है, इस ब्रह्मांड में है, सब एक ही तो है। तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर आप अंतर कैसे कर सकते हैं। हमारे यहां तो महादेव को भी अर्धनारीश्वर का अवतार लेकर आना पड़ा, ये बताने के लिए कि ईश्वर भी आधा नर है आधा नारी है। परंतु वैदिक काल में जब कोई भेद नहीं था, समानता थी, सम्मान था, उसके बाद क्या हुआ? जो 800 साल का मुगल काल रहा, फिर ब्रिटिश काल रहा, यहां हमारे श्रद्धा केंद्रों पर आघात हुआ। मंदिर और नारी, क्या कारण है कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, शिव जन्मभूमि सभी पर मस्जिद? क्या यहां पर स्थान की कमी थी? स्थान की कमी नहीं थी। यहां भारत के हिंदू समाज के स्वाभिमान को तोड़ना था, इसलिए मंदिर को तोड़ना आवश्यक था। स्त्रियों को जब घर के अंदर बंद कर दिया गया, क्योंकि इतना दुराचार शुरू हुआ, तो भ्रूण हत्या, बाल विवाह, शिक्षा नहीं, विद्या विधवा पुनर्विवाह नहीं, स्त्री होना अभिशाप हो गया। शास्त्र कहां गए पता ही नहीं चला, वेद मंत्रों की शिक्षा बंद हो गई, जो पंडित कह देते पाखंड का बोलबाला हो गया, लोग अंधविश्वासी हो गए, दलितों को अछूत कह दिया गया, हम उनके प्रति उदासीन हो गए, धर्म परिवर्तन शुरू हो गया और इस समय स्थापना हुई आर्य समाज की। 7 अप्रैल 1875 को जब स्थापना की गई आर्य समाज की, शायद स्वामी दयानंद जी के मन में, मस्तिष्क में यही बात थी कि मत पूछिए क्यों पांव में रफ्तार नहीं है, ये कारवां मंजिल का तलबगार नहीं है। वो समाज के लिए कह रहे थे कि सब है तमाशबीन, लगाए हैं दूरबीन, सच जानने को कोई भी तैयार नहीं है। जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे, वह आईना माहौल को दरकार नहीं है। आर्य समाज वो आईना बनकर सामने आया, जिन्होंने समाज को दिखाया कि तुम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। दयानंद सरस्वती जी के बाद जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस काम को आगे बढ़ाया और पुत्री वेद कुमारी के मुंह से सुना कि मिशनरी स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा था कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरे राम रमैया, ईसा तेरे कृष्ण कन्हैया, तो कन्या आर्य कन्या पाठशाला आरंभ की जलंधर में 1890 में,
आर्य संस्कृति की शिक्षा देने के लिए गुरुकुल प्रारंभ किया हरिद्वार में, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया और बच्चों से कहा वसीयत पर हस्ताक्षर करो, तुम्हारे पास कुछ नहीं आएगा, सब कुछ आर्य समाज को समर्पित होगा। जिनको पूरे विश्व में ये गौरव प्राप्त है कि जामा मस्जिद की मिंबर पर खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण का प्रारंभ वेदों के मंत्रों से किया। और निर्भीक ऐसे कि जब 30 मार्च 1919 को राउलेट एक्ट के विरोध में जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, जब गुरखों की सेना जिनका नेतृत्व अंग्रेज कर रहे थे बंदूकें सीने पर रख दी गई, तो वस्त्र हटाकर छाती आगे कर दी और कहा ये जुलूस नहीं रुकेगा, तुम्हें गोली मारनी है तो मार दो। लेकिन मुस्लिम दंगे होते हैं, घर दुकानें हिंदुओं की लूट ली जाती हैं, वही भी चार होता है, दुराचार होता है, तो भारतीय शुद्धि सभा की रचना की और जो विधर्मी हो गए थे उनको वापस धर्म में लाए। पर ये रास नहीं आया और कट्टरपंथियों ने अब्दुल राशिद ने गोली मारकर 23 दिसंबर को 1926 को उनकी हत्या कर दी। मैं अंत में ये कहना चाहूंगी, स्वामी श्रद्धानंद जी तो पंचभूत में विलीन हो गए, पर आज भी जब बंगाल में, मालदा में, दूलागढ़ में दंगे होते हैं तो स्वामी जी याद आते हैं। आज भी जब लव जिहाद की घटनाएं होती हैं, बेटियों को ले जाया जाता है तो स्वामी जी याद आते हैं। आज भी जब दलितों पर, महिलाओं पर अत्याचार होता है तो स्वामी जी याद आते हैं। और आज भी जब प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में नारे लगते हैं कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अब तक जिंदा हैं, ये जब भी नारे लगते हैं तो स्वामी जी याद आते हैं कि मकाउले की शिक्षा पद्धति केवल और केवल काले अंग्रेज ही पैदा कर सकती है, वरना हम तुम्हें समझाएंगे कि आखिर सहने की भी सीमा होती है। सागर के उर्मे भी ज्वाला सोती है, मल्यानिल कभी बवंडर बन ही जाता, भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। आज स्वामी जी एक हिंदू के नाते हम सबको कहते हैं, शायद इन्हीं भावों से कहते होंगे कि गोपाल कृष्ण के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, दुनिया को हिंदू करने कब घर घर नरसिंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भू भाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। और शायद अंत में संपूर्ण आर्य समाज के बंधुओं को वो कहते कि ज्योत से ज्योत जलाते रहो, हिंदू धर्म का उद्धार करते रहो, दलितों को गले लगाते रहो, क्योंकि हमारा तो एक ही ध्येय है कि सबको श्रेष्ठ बनाना है, सबको आर्य बनाना है। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हम सबका मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी हिंदू रक्षा की आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।